Hello student, good evening, welcome back. So our question is, the ratio of milk to water in a 100 liter mixture is 2:3. 10 liters of this mixture is withdrawn and replaced with milk. This process is repeated 2 more times. What is the percentage of milk in the final mixture? ठीक है, इसमें जैसे milk को change किया जा रहा है, ठीक है, इसमें तो milk पे हम लोग नहीं ध्यान देंगे, क्या देंगे, water पे ध्यान देंगे. Water क्या हो रहा है तब, ठीक है. तो water अगर देखें तो यहाँ पहले क्या दिया गया, वाटर और मिल्क का रेशियो. अच्छा, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3, ठीक है. तो मिल्क और वाटर का रेशियो अगर 2:3 है तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल मिक्सचर कितने का हो गया, 5 का. और 5 में से अगर देखें हम लोग मिल्क कितना है, वाटर कितना है, तो वाटर है 3. 5 में से वाटर कितना है, 3, ठीक है. तो 5 से 3, 5 मिक्सचर है और वाटर क्या है, 3 है, ठीक है. तो इधर हम मिक्सचर ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं, हम मिल्क लगेगा. वैसे एक सेकेंड, मिक्सचर यहाँ लिख देते हैं, ठीक. इधर मिक्सचर ले रहे हैं और इधर हम लोग ले रहे हैं वाटर, ठीक है. अब आगे क्या बोलता है कि ये जो 100 लीटर का मिक्सचर था उसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया, ठीक है. अब 10 लीटर निकाल करके मिल्क भरा जा रहा है, मतलब मिक्सचर पहले कितना था हम लोग का, 100, और 10 लीटर निकाला जा रहा है तो ये कितना बच जाएगा, 90 बचेगा, ठीक है. मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर रेशियो में हम देखें तो रेशियो में बोल सकते हैं ये 10:9, ठीक है. 0:0 को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो ये 0 को रिमूव कर देंगे तो 10:9 हो गया हम लोग का, ठीक है. इस तरह से मिक्सचर हम लोग का रिप्लेस हो रहा है. और ये प्रोसेस क्या बोला गया है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स. 2 मोर टाइम्स रिपीट होगा तो क्या होगा, 10 से 9, और 10 से 9 फिर से दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है. अब इधर ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा, मिक्सचर. तो ये कितना आ जा रहा है, 5000 आ जा रहा है, ठीक है. और वाटर अगर देखें तो वाटर में क्या आ जा रहा है, तो ये 9 का क्यूब 729 आ जा रहा है, ठीक है. 729 ठीक है. तो 27 दो हाथ में, 3 2 6 2 8 7 21, 2187 आ गया ये, ठीक है. अब देखो यहाँ से हम लोग को पूछा क्या गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, ठीक है. तो अगर हम देखें तो मिक्सचर में मिल्क वाटर का मात्रा ये है 5000, अगर मिक्सचर रहेगा तो 2187 वाटर रहेगा. तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम 2187 माइनस कर देंगे 5000 से, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा हम लोग का निकल जाएगा मिल्क, ठीक है. तो 2187 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 5000 से माइनस करें 2187, तो हम लोग आ जाएगा 2813 आ जाएगा ना, 2813. एक बार चेक कर लेते हैं, 2187, 10 में से 73, ठीक है. हाँ, 2813 आ जाएगा ये, ठीक है. अब ये 2813 देखेंगे कि 5000 का मतलब ये क्या आ गया, ये था हम लोग का वाटर, और ये जो आया ये मिल्क है, और ये क्या है, मिक्सचर. तो 2813 अगर देखेंगे तो इसका परसेंटेज क्या है, मतलब मिल्क का परसेंटेज क्या है, यही पूछा गया क्वेश्चन में. तो 2813 को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रख देंगे, पूरा मिक्सचर, होल मिक्सचर 5000, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए, तो 00 कैंसिल हो गया. अब बस कुछ नहीं, 50 से डिवाइड कर देना ये 2813 को, तो 50 से ये चला गया हम लोग का 5 बार में, और ये आ गया 250. तो हम लोग का बच रहा 1, यहाँ बच गया 3, और यहाँ बच गया 3. फिर 50 से चला जाएगा हम लोग का 6 बार में, 300 आ गया. फिर बच कितना रहा हम लोग का, 13 बच रहे हैं यहाँ. फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे 0, 50 से 2 बार में ये आ गया 100, और ये 30, और फिर डेसिमल लगा हुआ था 0 लगाते हैं 50 से 6 बार में, तो 56.26% हम लोग का आ जा रहा है, 56.26%. एक तरीका और क्या कर सकते थे हम लोग, कि ऐसा कर सकते थे कि ये 2187 ही निकाल देते कि ये 5000 का कितना परसेंट है, ठीक है. तो ये लगभग आ जाता 43 point something आता है, फिर 100 से माइनस कर सकते थे, ठीक है. तो कोई भी तरीका अपनाएं, ठीक है, तो कोई भी तरीका अपना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा. तो ये सबसे बेटर तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है. इसमें बस हम क्या ध्यान दिए कि मिक्सचर किस तरह से, मिक्सचर में वाटर का चेंज हो रहा है. तो पहले 5 मिक्सचर में 3 वाटर था हम लोग का. फिर 10 में से क्या है, 10 में से 9, क्योंकि 10 लीटर क्या हो रहा है, निकाल करके मिल्क भरा जा रहा है. फिर उसी तरह से ये प्रोसेस 3 times रिपीट हुआ, तो इधर आ गया हम लोग का क्या, मिक्सचर आ गया ये वाला डायरेक्शन में, और इसमें हम लोग का वाटर आ गया. तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते क्वेश्चन. आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, और काफ़ी शॉर्टकट सेशन मेथड था ये, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और कोई दिक्कत हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो. ओके, बाय, ऑल द बेस्ट.